हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुब्रमण्यम मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे वाले क्वेश्चंस को। जो हमारे देखो क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक कंप्लीट कर लिए थे, उसके आगे आ रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास देखें, ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, मतलब हमें रेडियस दे रखी जो है 3.5 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। एंड सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, एंगल बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री का, ठीक है। Find the area of the sector formed, find the area of the minor segment of the circle. Minor segment का area हमें find करना है। Minor segment बोलो या segment बोलो, हमें minor segment वाला ही find करना होता है। तो area of segment का formula apply करेंगे। Area of segment का formula क्या होता है? Pi r square theta upon 360 minus r square sine theta अपॉन 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहे हैं, आर स्क्वायर कॉमन है, अपॉन में 2 भी कॉमन है। यहाँ पे पाई बचा, थीटा बचे, अपॉन में 180 बचे, क्योंकि 2 अपन बाहर ले जा चुके हैं नीचे, इसलिए माइनस साइन थीटा, ठीक है। हाँ, आर स्क्वायर की वैल्यू 3.5 × 3.5 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22/7, थीटा की वैल्यू 90 और 180 की जगह पे 180 माइनस साइन थीटा, साइन 90 है तो साइन 90। हाँ, सॉल्व करें, 3.5 मल्टीप्लाई नहीं करते हैं फिलहाल, ये रहने देते हैं, अपॉन 2 कट हो रहे हैं, 90 बन जाए, 92 जा, 2 बन जा, और ये 11 टाइम 11 अपॉन 7 माइनस साइन 91 होते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मैंने 1 दे दिया, 3.5 × 3.5 अपॉन में 2, यहाँ पे एलसीएम ले जाएगा 7 आ रहे हैं, 11 − 7, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, जो एलसीएम लेके हम सोल्व करते हैं उस तरीके से, 3.5 × 3.5 अपॉन 2 × 11 − 7 हो गया हमारे पास 4 अपॉन में 7। हाँ, यहाँ पे हमारे पास 3.5 7 बन जा और ये कट जाएंगे 5 टाइम, यानी कि 0.5 हमारे पास आ चुके हैं, 2 बन जा, 2 जा, 3.5 मल्टीप्लाई, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो कितने आएंगे हमारे पास, 1.0 जो 1 ही होते हैं एक्चुअल में, तो 3.5 हमारा इसका एरिया ऑफ सेगमेंट आ चुका है, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ गया हमारे, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है, जिसकी सर्कल की सर्कमफेरेंस दे रखी है हमें 22 सेंटीमीटर। तो एक तो दे रखा है क्वाड्रेंट, जब भी क्वाड्रेंट वर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और सर्कमफेरेंस दे रखी है जो है हमारे पास 22। सर्कमफेरेंस कितनी है हमारे पास, 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r इक्वल टू 22, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की जगह पे r इक्वल टू 22। हाँ, 22 से 22 कैंसिल हो गए, r की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएंगे, 7/2, ये r की वैल्यू आ गई। फाइंड करना है हमें क्या, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोलो या एरिया ऑफ सेक्टर बोलो, फॉर्मूला एक ही लगता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर वाला लगा सकते हैं हम, जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की 7/2 × 7/2, थीटा है हमारे पास 90/360, 0 0 कटे, 7 से 7 कटे, ठीक है, 9 1 जा 9 4 जा, जो बच्चे हमको लिखते हैं ऊपर सॉल्व करते हैं, देखें 22 × 7 बच रहे हैं, अपॉन में 2 × 2 × 4, 2 से ये कट गए 11 टाइम, तो 11 7 जा 77 अपॉन 8, ठीक है। डिवाइड करेंगे हमारे पॉइंट में जो आंसर आएंगे वही क्या होंगे एक्चुअल आंसर, तो यहाँ लिख देते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे आप डिवाइड करें हमारे आंसर्स आ जाएंगे। हाँ,
हाँ, नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, देखें, the hour's hand of a clock is 5 सेंटीमीटर long, यानी कि घंटे वाली जो सुई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर लंबी, मतलब रेडियस देखी है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है, find the area of the sector, area of sector बनाना है हमें, मतलब find करना है, formed by the hour's hand in 7 minutes, घंटे वाली सुई जो है 7 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना लेगी, पहले तो ये पता करना होगा। तो घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है ये भी नहीं पता हमें, जो देखें यहाँ पे, तो आर हैंड मेक एंगल इन, ये पूरा सर्कल पूरा करने में जो हमारी आर्स वाली सुई होती है, आर हैंड होती है, आर्स हैंड वाली, उसको कितना टाइम लगता है, 12 घंटे लगते हैं, 12 hours, 12 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, पूरा एंगल 360 का होता है, तो 360 का 12 घंटे में बन जाता है, तो पता करें 1 घंटे में कितना बनेगा, आर एंड इन 1 hour, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 12, 1 hour की तो वैल्यू ये होगी, तो आर एंड मेक एंगल इन 60 मिनट भी लिख सकते हैं इसको, तो ये कहीं होगा 360 अपॉन 12, वापस ये की लाइन आएगी, अपन को पहले 1 मिनट के लिए पता करते हैं 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 360 अपॉन 12 इनटू 60, ठीक है ना, फिर बाद में बात होती है कि भाई अपन को फाइंड करना है इसमें कि 7 मिनट के लिए, तो 1 मिनट की वैल्यू हमें पता है, तो 7 मिनट के निकालने के लिए होगा 7 से मल्टीप्लाई 12 इनटू 16 नीचे और ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कटोगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6, 6 जा 5, 6, ठीक है, और ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 7 अपॉन 2 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, किसमें बनेगा, हमारे जो एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा ना उसमें, देख ले हम वापस एक बार इसको, आर सेंड है जो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी 360 अपॉन 12, फिर 60 मिनट में भी इतना ही बनाएगी 60 मिनट्स में, तो 60 मिनट का मतलब 1 मिनट में निकालना चाहे तो 60 का डिवाइड, फिर 7 मिनट में निकालना चाहे तो 7 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कटोगे, 6 से 6 टाइम 36 कटोगे, 6 की टेबल से 12 कटा होगा 2 टाइम, तो 7 अपॉन 2 अपने पास एंगल आ गया, मतलब थीटा कितना है हमारे पास 7 अपॉन 2 डिग्री, ठीक है ना, फिर हमें इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की हमारे पास 5 दे रखी है, तो 5 इंटू 5 इंटू थीटा है हमारे पास 7 अपॉन 2 और नीचे 360 है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल, तो 11 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 360 डिवाइड करते हैं, कट कर रहे हैं पहले, तो 5 से कटोरे 5 बन जा और ये हो जाएंगे 72 टाइम, ऊपर बच रहे हैं अपने पास 11 5 से 55 अपॉन 72, ठीक है, तो इसको सोल्व करना है, जो आंसर आएंगे वही क्या है हमारे एक्चुअल आंसर होंगे, ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट करें, कोई भी इश्यू या डाउट हो तो वहाँ पर से एक बार जरूर पूछ लें, आज की क्लास हमारी यहीं और रखते हैं।